तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी लोग दोस्तों वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जी कम से कम आपकी एक विश जरूर पूरी करेंगे। हम हमारा जी तरह से अपने तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, अर्जी लगाएंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे वीडियो 4 से 5 दिन लगातार देखते आ रहे हैं, तो सभी की आस्था जो भी महाराज के प्रति है, सबकी इच्छा पूरी हो। तो उम्मीद यही करता हूँ कि दोस्तों कि आपका भी घर सब भला हो, सभी लोग अच्छे से रहें, महाराज जी सब पर कृपा करें। तो जय श्री राम, जय बक्सर धाम महाराज, जय सीताराम, जय सन्यासी बाबा। हमारे चैनल को सभी लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं दोस्तों। हेलो करिए, तो गाइस देखिए लोग भाग रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है। तो इंद्र भगवान अपना फिर से रूप दिखा दिए हैं, बारिश से लोग इमाम में परेशान है। यहाँ पर जैसे जैसे कथा शुरू होती है तो इंद्र भगवान जी अपना आ जाते हैं अपना रूप दिखाने के लिए। तो अच्छे काम में तो बाधा आती है, सभी को पता है यहाँ पर। तो आज लाइव अपडेट देख रहे हैं, आज 17 सितंबर है, आज आपकी कथा, तो हमको भी जगह ढूंढना पड़ेगा महाराज जी इंद्र भगवान की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो पंडाल छोटा पड़ जाता है, सीढ़ी छोटा है, इस हिसाब से यहाँ बारिश होती है, काफ़ी लोग यहाँ रुकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कथा में भाग रहे हैं लोग, बारिश शुरू हो गई है, जैसे कथा शुरू बारिश तेज हो गई है। तो यहाँ लोग बारिश रुकने के लिए खड़े हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ मैदान थोड़ी छोटी जगह है तो बारिश में रुके हुए काफी। तो थोड़ी सी बारिश कम हुई तो लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए बाहर कथा सुनने के लिए। तो लोग यहाँ भाग भाग के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। हे हरा पापी पादा अदन पादरा पुत्र के साध्या हरि मन।